This is a compound microscope. First, we know about what is microscope. Microscope, also known as optical microscope or light microscope, that commonly use visible light and a system of lenses to magnify images of a small object. सूक्ष्मदर्शी को प्रकाश संबंधी सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, जो आमतौर पर लेंस और ऐसे प्रकाश का प्रयोग करता है जिसे हम देख सकते हैं। वस्तु के छवियों को बड़ा करके दिखाने के लिए यह प्रयोग में आता है। What is compound microscope? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? A compound microscope uses two lenses. This is a compound microscope and its two lenses, eyepiece and objective piece. First, objective lenses. These are known as the objective lenses. अभिदृश्यक लेंस भी कहते हैं इन्हें. A lens close to the object. A lens close to the object being viewed to collect light called objective lenses, which focuses a real image of the object inside the microscope. अभिदृश्यक लेंस, इन्हें अभिदृश्यक लेंस कहते हैं. अभिदृश्यक लेंस वो लेंस होता है जो उस नमूने के करीब रखा जाता है. यहाँ नमूना रखा जाता है और इसके यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस और अभिदृश्यक लेंस होते हैं. नमूने के करीब होता है जिसे देखा जाना है. अभिदृश्यक लेंस माइक्रोस्कोप के अंदर वस्तु की वास्तविक छवि को केंद्रित करता है. ये जो अभिदृश्यक लेंस है, यहाँ पे जो वस्तु या फिर नमूना रखा जाता है, इसके वास्तविक छवि को इसमें कहीं बीच में बनाता है. वो वास्तविक छवि इस नेत्रिका के लिए एक वस्तु की तरह काम करता है और ये नेत्रिका फिर हमें उस वस्तु की बढ़ी हुई छवि को दिखाता है. दूसरा इसमें लेंस प्रयोग होता है आईपीस. इसे आईपीस कहते हैं या नेत्रिका कहते हैं हिंदी में. यौगिक सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका वह लेंस होता है जो वस्तु की वास्तविक छवि को अभिदृश्यक लेंस द्वारा सूक्ष्मदर्शी के अंदर बनाया जाता है, उसे आवर्धित करता है. यह दर्शक को नमूने की एक बड़ी हुई उल्टी तथा आभासी छवि देता है. ये नेत्रिका इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई गई हुई अंदर की किसी छवि को बड़ा करके हमें दिखाता है, जो उल्टा होता है, आभासी छवि होती है. कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब इस कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहने का मतलब ये किस चीज का बना पड़ा हुआ है. ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव 8 कंपोनेंट. इस पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 8 अंग होते हैं. पहला आईपीस, नेत्रिका कहते हैं. दूसरा, यहां से यहां तक बॉडी, ट्यूब, शरीर की नली कहते हैं. अ ट्यूब दैट कनेक्ट द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बॉडी ट्यूब, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को कनेक्ट करता है. शरीर की नलिका, नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस को संयोजित करती है. ये शरीर की नली, नेत्रिका, अभिदृश्यक लेंस दोनों को जोड़ती हैं. तीसरा, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं. इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा होता है. चौथा आर्म, इसे आर्म कहते हैं. कनेक्ट्स द बॉडी टू द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप. ये आर्म इस बॉडी को इस बेस के साथ जो है कनेक्ट करता है. भुजा को शरीर की नली को सूक्ष्मदर्शी के आधार से जोड़ता है. भुजा शरीर की नली को सूक्ष्मदर्शी के आधार से जोड़ता है. फोकस नॉब,
इसे फोकस नॉब कहते हैं। किरण केंद्रित घुंडी, इसे किरण केंद्रित घुंडी या फोकस नॉब कहते हैं। फोकस नॉब इज टू मूव द स्टेज और बॉडी टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट और सैंपल टू बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। दिस फोकस नॉब इज यूज्ड टू मूव बॉडी और दिस स्टेज टू फोकस द ऑब्जेक्ट टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। ये किरण केंद्रिका घुंडी मंच, ये मंच जिस पर नमूने को रखा जाता है, या इस शरीर की नली जिसे लेंस जुड़े होते हैं को स्थानांतरित करने में प्रयोग लाया जाता है, ताकि सूक्ष्मदर्शी के तहत देखी जाने वाली वस्तु या नमूने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। छठा पार्ट है ये स्टेज, ये स्टेज है जिस पे नमूने को रखा जाता है। स्टेज होल्ड द स्पेसिमेन, मंच पर वस्तु या नमूने को रखा जाता है जिसे देखना होता है। सेवेंथ, सातवां पार्ट ये नीचे डायफ्राम है और इसके साथ कंडेंसर भी लगा रहता है। यहां पे ये जो नीचे डायफ्राम है, ये डायफ्राम, इससे जो है इसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट टू कॉन्ट्रास्ट द बैकग्राउंड ऑफ दिस सैंपल। ये जो डायफ्राम है लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है, या यहाँ पे जिस हम नमूने को देखते हैं उसमें बैकग्राउंड की कॉन्ट्रास्ट करने में प्रयोग आता है। इसको द्वारक भी कहते हैं। द्वारक प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कंडेंसर, ये नीचे द्वारक है, ऊपर कंडेंसर और संग्राही कहा जाता है होता है। ये जो संग्राही होता है इसके डायफ्राम के ऊपर होता है, संग्राही और कंडेंसर। तो कंडेंसर इज अ लेंस और सिस्टम ऑफ अ लेंस फॉर कलेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग लाइट। डायफ्राम कंडेंसर इज यूज टू कलेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग द लाइट। लेंस या लेंस प्रणाली जो प्रकाश को इकट्ठा करने और निर्देशित करने के लिए प्रयोग आता है उसे हम संग्राही कहते हैं। अंतिम पार्ट आठवां, ये जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर, परावर्ती दर्पण, या फिर इसकी जगह पे कुछ सूक्ष्मदर्शियों में प्रकाश का स्रोत लगाया जाता है, एक बल्ब लगाया जाता है। इस रिफ्लेक्टिंग मिरर या परावर्ती दर्पण का काम ये होता है कि जो यहाँ पे रोशनी जाती है इस रोशनी को परावर्तित करता है इस डायफ्राम में, डायफ्राम से कंडेंसर में आता है, कंडेंसर उसको एकत्रित करता है यहाँ पे रखे नमूने के ऊपर, उस नमूने से प्रकाश होते हुए इस अभिदृश्यक लेंस में जाता है। अभिदृश्यक लेंस जो है उस नमूने की एक वास्तविक छवि इस शरीर नली में बनाता है, और वो वास्तविक छवि नेत्रिका से बड़ी की जाती है जिसे हम आभासी उल्टा छवि देखते हैं। वर्किंग सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य करने का सिद्धांत इसका क्या है? जब प्रकाश इस दर्पण से टकराकर, when a light ray after reflecting from mirror enter to the diaphragm that control the amount of light, then it is condensed to a point at the sample. After reflecting with the sample, it goes to this objective lens and form a real image inside this body. And that real image act as an object for the eyepiece
an eyepiece enlarges that image, and that image is inverted enlarged image of the object that we see. सूक्ष्मदर्शी का जो कार्य करने का सिद्धांत ये है, प्रकाश इस दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात इस डायफ्राम से जाती है, संग्राही से जाती है, नहीं, प्रकाश इस दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात द्वारक से जाती है, द्वारक उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश फिर संग्राही से होते हुए, नमूने से होते हुए इस अभिदृश्यक लेंस में प्रवेश करती है। अभिदृश्यक लेंस नमूने या वस्तु की एक वास्तविक छवि को इस शरीर नली में बनाता है। इस शरीर नली में बना हुआ वो वास्तविक छवि नेत्रिका के लिए एक वस्तु की तरह काम करती है और नेत्रिका उस वस्तु की छवि को बढ़ाकर हमें फिर दिखाती है।